हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न रेलवे के यहाँ पर वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं है, कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं होगा, टोटल आपका मेरिट बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। ये जो वैकेंसी यहाँ पर निकालेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका डेट है 6 सितंबर 2021 को यह वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। अब इस वैकेंसी के बारे में देख सकते हैं, जो वैकेंसी आपका है वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर डिवीजन में, और यहाँ पे ईयर है आपका 2021-22 के लिए, जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी रहने वाली है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो जैसा कि आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको डेट यहाँ पे लिखा गया है कि 11 सितंबर 2021 से लेकर के आप इसमें 10 अक्टूबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देख लीजिए कौन कौन से ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। तो ट्रेड वाइज वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है आपका। यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाता है कोपा में, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, 90 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश की बात करें तो 15 वैकेंसी है, हिंदी में बात करें तो 15 वैकेंसी। इसी तरह से आप देख सकते हैं फीटर की, इलेक्ट्रीशियन की, वायरमैन की है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की है, RAC मशीन की है, इसी तरह से वेल्डर, प्लम्बर, यहाँ पे पेंटर की वैकेंसी है, कारपेंटर, मशीनिस्ट, उसी तरह से टर्नर की है, सीट मेटल वर्कर, ड्राफ्टमैन या सिविल की वैकेंसी है, गैस कटर और ड्रेसर की वैकेंसी है, और यहाँ पे आगे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी में, और यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कार्डियोलॉजी। बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो आपका टोटल यहाँ पे 432 नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। तो 432 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, जो कि अप्रेंटिस की वैकेंसी है। आगे डिटेल जानकारी यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ, साथ में ITI रिलेटेड ट्रेड में किया हुआ, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट आपका मिनिमम 15 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपका 1 जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग काउंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी दिया गया है कि कितने डेट ऑफ बर्थ वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पीरियड ऑफ अप्रेंटिस की बात करते हैं, स्टाफिंग की बात करें, जो अप्रेंटिसशिप होती है 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड होता है इसका, और यहाँ पे आपको जो भी रूल है इनके, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो मैट्रिकुलेशन एंड 10th क्लास में जो भी आपके मार्क्स है उसका 50% वेटेज लिया जाएगा, और जो आपका ITI में मार्क्स है उसका 50% वेटेज लिया जाएगा, और दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेकर के जाने होंगे। लास्ट डेट की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 11 सितंबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे 10 अक्टूबर तक अप्लाई आपको करना होगा। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पे, वहाँ पे भी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे SC ST कम्युनिटी से आते हैं, OBC से आते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट भी इसका देना होगा। इसके साथ ही यहाँ पे कोई भी अलाउंस या डेली अलाउंस जो भी आपका होता है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा आपको, और बाकी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, इसी तरह से आपका सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट का वेबसाइट पर, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस समय, और नीचे यहाँ पे सारी चीज़ जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी गई। पहले आप इसको पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद ही अप्लाई आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हेल्पिंग कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि अप्लाई नाउ का बटन डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर जाएंगे और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी वहाँ पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अप्लाई नाउ के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं apprenticeshipindia.org के वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, और पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन का डिटेल नीचे आपको भरना होगा। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है अपना email ID डालना है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि एंटर पासवर्ड करना है, और यहाँ से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड इसमें नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी, कोई एग्जाम नहीं होगा। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।